मेरु मुलुक मेरु पहाड़ा, मेरु मुलुक मेरु पहाड़ा, उचिनिसि डांडी मेरु पहाड़ा, उचिनिसि डांडी मेरु पहाड़ा, मेरु पहाड़ मेरु गढ़वाले, मेरु पहाड़ मेरु गढ़वाले, काले काले छले छले नदियाँ की धारा, छले छले काले काले नदियाँ की धारा, उचिनिसि डांडी मेरु गढ़वाला, उचिनिसि डांडी मेरु गढ़वाले। पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मैं हूँ संध्या राणा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सब बड़े होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है, नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है और मैं आज फिर से आ गई हूँ अपने हरे भरे खेतों में, मनुआ के खेत में, जहाँ पूरे सारे में मनुआ बो रखा है। तो आज मैं जा रही हूँ मनुआ सारे लगाने, मनुआ तो उदाई कर रखा था हमने और अब है सारे लगाने का सीज़न। तो मौसम देख सकते हैं कितना घंघोर हो रखा है, दो दिन से बारिश ही बारिश आ रही है और अभी भी बारिश आ रही है, कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ और बरसात शुरू हो गया है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे पानी पानी निकल रहा है यहाँ पे, ये देखिए खेतों में जहाँ तहाँ जैसे ऐसे पत्थरों में बोलते हैं जिसको फतरड़ो, तो पानी निकल गया है और इस कोहरे में जा रहे हूँ मैं खेत में मनुए की गुड़ाई करने। तो डर भी लग रहा है क्योंकि कोहरा छा रखा है और अब मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत में। तो आ चुके हैं यहाँ पे पुंगड़े में, तो यहाँ पे है बड़ा बड़ा गोलू, तो जाने में कठिनाई हो रही है। तो अभी मैं यहाँ से फाव मारूँगी ना अभी मैं यहाँ से फाव मारूँगी नीचे चप्पल डूब रहे हैं नीचे खेतों में। आज तो भावना ब्याह रखे है पुंगड़े में, क्या करनी तू क्या हुआ रहने को दो की गुडाई कर रहे हैं ये कितने खान कन के हों जन के खान से जन के गोड़न बीचे खाने का ना करे चिमियास लगे लगे नी तेने गोड़न भी चिमियास लगे थे। तो देखिए इतना बड़ा हो चुका है मनुआ और जिसको बोलते हैं हमारे पहाड़ में कोदा, तो इस तरह से लगाते हैं कोदे को सारे। तो ये देख सकते हैं आजकल सारे लोग खेतों में मनुए की गुड़ाई कर रहे हैं और रोपाई तो पूरी हो गई है और सारी जगह आजकल कोदे की गुड़ाई कर रहे हैं यानी कि सारे लगा रहे हैं। तो मैंने भी अपने पूरे खेत में सारे लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा हमारा मनुआ हो रखा है और पूरा खेत मैंने सारे लगा दिया है और तो चारों तरफ से कोहरा लगा हुआ जिसको बोलते हैं हमारे पहाड़ में क्या बोल रही था कुजड़ो तो क्या बोल रहा कुजड़ बाग बोल। जब हम छोटे थे ना तब हम पता क्या बोलते थे अंगड़ी लोगो तंगड़ी लोगो ते बुढ़े को गटरिंगो लो गुजड़ बाग फाट फाट तुम क्या बोल रहे पुरखे तो ऐसे बोलते थे हम इसको कुजड़ो को ना। तो चारों तरफ कुजड़ो लगा हुआ है और इससे तो इतनी ज़्यादा उमस आ रही है और पता भी नहीं लग रहा है कि बारिश आई होगी, इतना कोहरा है कि उमस ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब मनुए की गुडाई भी समाप्त हो गई है और अब मेरे को निकालना है घास। तो घास निकालने के बाद चले जाऊंगी मैं घर। कौन कर रहा हूँ अच्छा, तो अभी मैं थोड़ा घास निकालूंगी और उसके बाद जाऊंगी घर। Oh,
रखे ऐसे लाए हैं मैं मंगवा को उखाड़ के को देखो तो जहाँ पे खाली खाली है ना तो इसको निकाल के ऐसे ऐसे करके डालूँगी मैं इसको तो ये अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये पौधा पता क्या बोलता है अगर तो बोल बोले कि फाती जो मरू तो अब टुकड़ो कर दो नहीं कर दो फोड़ो मैं अब टुकड़ो खड़ कर दो तो यहाँ ना करी फरो ना हम ये था ये आप खड़ गए जान बरखा वाली ना तभी हम तीन तो खड़वा तब आएंगे इसमें मोटे मोटे बलड़े क्या आएंगे क्या देखे बलड़े तो मैं आ गई हूँ आधे रास्ते में। मैंने सोचा गुडाई करने के बाद घास निकाल दो और घास हुआ थोड़ा सा क्योंकि पता नहीं लोगों ने हमने रोपाई की और पता नहीं हमारा घास किसने निकाल दिया और घास मिला नहीं तो टाइम भी 10 बज गया है और 10 बजने से पहले मैंने गुडाई समाप्त कर ली है और अब जा रही हूँ मैं घर तो मिलती हूँ अपनी गौशाला में। अभी मेरे को जाना है गौशाला तो देखिए कैसे गर्मी से पसीना आ रहा है और हालत ख़राब हो रही है और बारिश तो बरसात के टाइम पे तो पता ही नहीं चलता पहाड़ों में कितने किस टाइम बारिश आ रही है और किस टाइम धूप लग जा रही है। तो अभी देखिए पूरा कोहरा कोहरा छा रखा है तो मेरे को जाना है घर। खेत से आने के बाद अभी शाम के टाइम पे मैं बैठी हूँ अभी अपने घर में और रांगली भी आ चुकी है और मेरी मम्मी भी आ रखी है मेरे घर में। रांगली और नैतिक को लेके आए तो मम्मी बैठी है यहाँ पे और ऋतिक बैडमिंटन खेल रहा है। ए ऋतिक क्या करो ऋतिक ये है प्रांजलि। प्रांजलि भी पहुँच गई है अपने घर निको कह गई हूँ और ऋतिक खेल रहा है बैडमिंटन और ऋतिक के चाचा यहाँ पे कुकड़े चरा रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े कुकड़े हमारे हो चुके हैं देखिए कितने जलने हो रखे हैं। अब एक दिन इनकी सर्विस होगी अच्छे से गर्म पानी से सेक करेंगे हम इनकी साफ चमक आ जाएगी इन पे। 9 कुकड़े थे 9 में से अब 3 बचे हुए हैं ये भी पता नहीं कहाँ जाएंगे बलिदान में। तो दानी खेल रहा है यहाँ पे बैडमिंटन। ए छुटके क्या करो छुटके क्या कर रहा है देखिए छुटका कैसे बैडमिंटन खेल रहा है। हाँ देखिए कौन है अच्छा तो खेल बैडमिंटन खेल तो देखिए कैसे खेल रहा है। मैं और प्रांजलि पहुंच चुके हैं गौशाला में और तो हम जा रहे हैं घास के लिए और हमारी दथली कंप्लीट हो ना प्रांजलि। हाँ तो मैं अभी थोड़ा दथली पजाती हूँ दथली की धार बनाती हूँ। निपट गया है अब सीधे जाना है हमको खेतों में निराई करने के लिए। तब तक काटेंगे हम घास तो घास लाने से पहले पहले अपनी दतली की धार बना लेते हैं। ये रही मेरी दतली और ये प्रांजलि की दतली है इसमें तो पूरा जंक लगा है पता नहीं कहाँ फेंक रखा था। तो आजकल बरसात के सीज़न में देख सकते हैं मौसम बार बार करवट बदल रहा है और वैसे भी आजकल हरियाली हरियाली चारों तरफ हो रखी है और इतना प्यारा मौसम में इतना खूबसूरत नज़ारा और ये सामने से देख सकते हैं आप लोग ये हमारा गांव
प्रकृति की गोद में बसा हुआ कितना खूबसूरत गांव है। यह है मेरा जोगोट गांव। मैं कई बार आप लोगों को बताती रहती हूँ और ये देख सकते हैं जंगलों में भी कितनी हरियाली छा रखी है और सारी जगह आजकल काफ़ी अच्छा मौसम है और इस प्यारा इस मौसम का काफ़ी अच्छा लुत्फ़ हम लोग उठा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, प्रांजलि लगे हुए मेरे आगे से रास्ते और पीछे से मैं जा रही हूँ। मेरु मुलुक मेरु पहाड़ा, मेरु मुलुक मेरु पहाड़ा, उचिनी सी डांडी मेरु पहाड़ा, उचिनी सी डांडी मेरु पहाड़ा, मेरु पहाड़ मेरु गढ़वाले मेरु पहाड़, मेरु गढ़वाले, काले काले छले छले नदियाँ की धारा, छले छले काले काले नदियाँ की धारा, ऊँची सी डांडी मेरु गढ़वाला, ऊँची सी डांडी मेरु गढ़वाले, मेरु मुलुक मेरु पहाड़, कति मीठी बोली बासा, कति मीठी बोली बासा मेरा गढ़वाली माँ, कति मीठी बोली बासा मेरा गढ़वाली माँ, सीधा साधा लोग रेंदा मेरा पहाड़ी माँ, सीधा साधा लोग रेंदा मेरा पहाड़ी माँ, उचिनी सी डांडी मेरा गढ़वाला, उचिनी सी डांडी मेरा गढ़वाला, मेरु मुलुक मेरु पहाड़ा, मेरु मुलुक मेरु पहाड़ा, उचिनी सी डांडी काठी टेढ़ा मेरी डांडी, उचिनी सी डांडी काठी टेढ़ा मेरी डांडी, सूर्य सूर्य हवायक ठंडो ठंडो पानी, सूर्य सूर्य बतायक ठंडो ठंडो पानी, मेरु मुलुक मेरु गढ़वाला, मेरु मुलुक मेरु पहाड़ा, डांडी मेरा पहाड़ा, सी डांडी।